अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास किचन। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, बिरयानी मसाले के साथ, जो बहुत ही इजी और कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, मैंने यहाँ पर हाफ के जी चिकन बोन के साथ ले लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये देखिए, मैंने जो बिरयानी मसाला ऑलरेडी अपलोड कर दिया है रेसिपी इसकी, इससे इसे हम बिरयानी बनाएंगे, बहुत ही यमी बनती है। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, हाफ के जी राइस और चिकन में 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। ये मेजरमेंट बहुत ही परफेक्ट है, आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, तो मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और दही ऐड करेंगे 1 कप के करीब। इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। ये देखिए, ये अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। ये मैंने यहाँ पर 4 ऑनियंस को फ्राई कर लिया है 1/4 कप घी और 1/4 कप तेल के साथ। ये देखिए, इतना यहाँ पर घी और तेल बच चुका है। इसी में हम फ्राई करेंगे आलू। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 4 आलू को पील ऑफ कर कट कर लिया है। इसे हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये देखिए, अब हम इसे निकाल लेंगे, थोड़ी सी ये फ्राई हो गए हैं। हरी मिर्च ऐड करेंगे चिकन में 1-2, और जो आलू हमने फ्राई कर लिया था वो ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आलू ऐड करने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया, पुदीना ऐड करेंगे, और जो तेल हमने फ्राई कर लिया था ऑनियंस, उसको हाफ ऐड करेंगे। ये देखिए, ऑनियंस जो है बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। ये देखें, इसे हम हैंडफुल 2 हैंडफुल ऐड कर लेंगे 80% के करीब। आप क्या करें, फ्राई कर 1-5 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखते हैं, तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है। 2 हैंडफुल हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। ये देखें, जिसमें हम दम दे रहे हैं बिरयानी, उसी में ये ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर लेंगे। ये देखिए, मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हाफ लेमन यहाँ पर मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। चावल के लिए 4 से 5 लौंग ऐड कर लेंगे, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 1 स्टार एनीज़ ऐड करेंगे। दालचीनी की स्टिक ऐड करेंगे, 1/3 टीस्पून के करीब शाह जीरा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 केजी राइस का यूज़ किया है, तो 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। अगर आप 1 केजी यूज़ कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून नमक ऐड करें। 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, और विनीगर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इससे चावल जो है खिले खिले और वाइट बनते हैं। 2 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे स्लाइड कर, और कोथमीर और पुदीना ऐड कर लेंगे, और इसे हम ढाप कर बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर। ये देखिए, बॉयल आ चुका है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर चावल भिगा कर रख लिया था 1 आवर पहले ही, बासमती राइस 1/2 केजी, इसे हम ऐड कर लेंगे और इसे 70-80% पकाएंगे हाई फ्लेम पर ही। ये देखें, चावल जो है अच्छे से पक गए हैं, हम चेक कर लेंगे। ये देखें, अच्छे से ये गल चुका है चावल 80% तक। ठीक है, अब हम पानी को ड्रेन कर लेंगे। ये देखें, पानी मैंने यहाँ पर ड्रेन कर लिया है। अब हम यहाँ पर चिकन के ऊपर, रखने के ऊपर जो है चावल को ऐड कर लेंगे। ये जो तेल बच चुका था हाफ, हम इसमें ऐड कर लेंगे ऊपर से, अच्छे से पूरे साइड्स में ऐड कर लें, और प्याज भी जो रख लिया था हमने, और कोथमीर और पुदीना भी ऐड कर लेंगे इसमें। 1 टीस्पून लेमन का जूस भी ऐड कर लेंगे, और 1/3 कप दूध ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, मैंने यहाँ पर होममेड गरम मसाला ऐड किया है 1 टीस्पून, और ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, और इसे 5 मिनट्स के लिए ढाप कर हाई फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद मैंने 15 मिनट्स तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। इस तरह का आप पैन रख लें, नीचे तवा रख लें हैवी सा। अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कितने खिले खिले चावल लग रहे हैं देखने से ही। ये देखें, बहुत ही यमी सी बिरयानी हमारी बनकर रेडी हो गई है। चेक कर लेंगे, आलू जो है वो गल चुके हैं। अब चिकन को चेक कर लेंगे। ये देखें, चिकन भी अच्छे से गल चुका है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर लें रायते के साथ, या फिर टमाटर की चटनी के साथ। मसालेदार हमारी स्पाइसी चिकन बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। बिरयानी मसाले के साथ ही हमने इसे बनाया है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यूनिक है। कोई भी इसे झटपट से बना सकता है।
मेरे चैनल पर बहुत सारे बिरयानी अवेलेबल है, लेकिन ये सबसे यूनिक बिरयानी बनकर रेडी होती है। आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।